मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मठिया गांव रानीपत्रा में बांसबारी से नाबालिग युवती का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। आशंका है कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर हत्या कर दी गई है। युवती रानीपत्रा के मठिया गांव की रहने वाली है। परिजनों की माने तो रविवार की संध्या युवती घर में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के बाद रात्रि करीब 8:30 अपने घर से बाहर निकली और अचानक गायब हो गई। काफ़ी खोजबीन करने के बाद युवती का कोई आता पता नहीं चला और मंगलवार की सुबह युवती के घर के समीप बांसबारी में मृत अवस्था में पड़ी मिली। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इतवार के रात वो पढ़ने बैठी थी, लगभग 8:30 पढ़ने बैठी, उसके बाद बाहर निकली घर से बाहर, उसके बाद अचानक गायब हो गए। गायब हो गए तो घर में खाना खाने के बाद सोने गए तो बच्ची नहीं मिली, कहाँ गई ऐसे खोजते खोजते सुबह हुई, नहीं मिला। आज सुबह थाना आने वाले थे खबर देने के लिए, मुफस्सिल थाना मुफस्सिल। उसके बाद सुबह जो कल जहाँ पर लाश मिली अभी सुबह बरामद, तो वहाँ काल बांस काट रहे हैं और करछी चुने हैं, वहीं लाश गिरी हुई थी। तो बांस जो काटे हैं वहाँ पर तो कोई कल कुछ नहीं था नहीं, आज सुबह जाता तो आदमी देखा कि घर के पिछवाड़े में गिरा हुआ लाश, वहाँ से आदमी को पता चल गया, थाना परिवार को खबर दिया गया। अब वहाँ जाकर पहुँचे, वहाँ से फिर रिसीव किए, वहाँ उसके बाद यहाँ हम लोग लेकर आए। क्या आशंका लग रहा है, क्या है, क्या इसका अटेम्प्ट मर्डर हुआ है? क्यों ऐसा कहा? पता नहीं, इससे कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं किसी से, अचानक ऐसे हो गया। बांस का झाड़ी में लाश फेंका हुआ था और तो कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम कराने लिए। क्या लगता है, रेप किया गया है, क्या लगता है? अब जांच होगा तो ना पता चले क्या हुआ है, नहीं हुआ है। गांव वाले तो बता रहे हैं कि रेप किया गया है। वही समझिए।